एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस औरत की दो बेटियां थी, एमिली और एमा। एमा बहुत सुस्त थी और उसे कोई हुनर नहीं आता था, और दूसरी तरफ एमिली थी जो बहुत मेहनती और हुनरमंद लड़की थी। मगर उनकी माँ एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी, वो उसे अभी तक बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए वो एमिली से सारा काम करवाती थी। एमिली, जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि हमारी कढ़ाई बेच सको। अपनी माँ और बहन की काहिली की वजह से सिर्फ एमिली दोपहर में बाजार जाया करती थी ताकि वो अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई बेच सके। वो जब घर आती थी तो उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए खाना बनाया हुआ होता था। दूसरी तरफ एमिली अपनी बहन एमा के बचाए हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश किया करती थी। एक दिन एमिली अपने घर से बाहर गई ताकि वो कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बना सके। उसने अपने हाथ में सुई लेकर कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बनाना शुरू की, और उसी वक्त अचानक एक मुर्गा उसके सर पर आकर बैठकर चीखना शुरू हो गया। ओ, मेरे सर पर से हटो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे नहीं, मेरी कढ़ाई! एमिली बहुत दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से वो कढ़ाई कुएं में गिर गई थी। मेरी अम्मी ये जानकर बहुत गुस्सा होंगी मुझसे, अब क्या करूंगी मैं, बताओ। सुनो, पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसके बाद बाल्टी। दिमाग बाल्टी, दिमाग बाल्टी, कुकड़ों को। एमिली उस मुर्गे के कहने पर बाल्टी की तरफ बढ़ती है जो कुएं पे लटकी हुई थी। वो जैसे ही बाल्टी उठाने की कोशिश करती है उसका पैर फिसलता है और वो उसी वक्त कुएं में गिर जाती है। जब एमिली अपनी आंखें खोलती है वो खुद को एक बाग में पाती है जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं हूँ कहाँ पर वैसे? जैसे ही वो चलना शुरू करती है उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये गाजर निकाल नहीं पा रहा। एमिली फौरन ही उसकी मदद करने लगती है और वो एक ही बार में उस गाजर को जमीन से निकाल लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खरगोश खुशी खुशी अपने रास्ते चला जाता है और एमिली अपने रास्ते। हे, क्या तुम मुझे पानी दे दोगी, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। एमिली ने उस गुलाब की बात सुनी जो मुरझाने वाला था। एमिली फौरन ही उस फव्वारे के पास गई ताकि वो गुलाब की मदद कर सके। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब की जड़ में डाल दिया। गुलाब फिर से खिल गया और दोबारा से महकने लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी पाऊंगा। एमिली एक दफा फिर अपने रास्ते चलने लगी। थोड़ी दूर चलकर उसकी नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के सामने एक अजीब सी औरत जो कि दिखने में बहुत खौफनाक थी एमिली को देख रही थी। एमिली उस औरत से बहुत डर गई। एमिली वहाँ से फौरन ही भागने लगी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली डरते डरते उस औरत के पास गई। मेरा नाम होली है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे छोटे से घर का ख्याल रखोगी तो तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। बस तुम्हें ये करना होगा कि हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। मुझे वैसे भी अपने घर का रास्ता याद नहीं है, मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ। एमिली उस घर का बहुत ख्याल रखने लगी जैसा कि मदर होली चाहती थी। हर सुबह बगैर थके वो मदर होली का बिस्तर परों से सजाना कभी नहीं भूलती थी। मदर होली भी एमिली से बहुत प्यार करती थी तो वो उसके लिए हर शाम बहुत मजेदार खाने बनाया करती थी।
इसी तरह दिन और रात गुजरते रहे। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, मगर उसे अपने घर की याद आने लगी। मदर हॉली, आप जानती हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे अपने घर जाना है। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ काफी अरसे तक यहाँ रही। तुम जरूर अपने घर जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह बहुत शुक्रिया मदर हॉली। मदर हॉली एमिली को एक बड़े से सुनहरे दरवाजे की तरफ ले गई। जैसे ही एमिली ने उस दरवाजे को पार किया, वो बहुत खूबसूरत नए कपड़ों और सोने से ढक गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये रही वो कढ़ाई और सुई जो तुमने पानी में गिरा दी थी, ये लो। ओह बहुत शुक्रिया मदर हॉली, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मदर हॉली ने एमिली की आंखों पर हाथ रख दिया और उससे कहा कि तीन तक गिनो। एक, दो, तीन। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई और अब सुनहरी लड़की बनकर लौट चुकी है। एमिली को देखकर उसकी माँ और उसकी बहन एमा अपनी हैरानगी छुपा नहीं सकी। हाँ, मगर तुम्हें ये इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से मिला? एमा चुप हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये ज्वेलरी कहाँ से मिली, बताओगी ना? एमिली एक एक करके उन्हें सब कुछ बताती गई। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही थी कि एमा भी ये कर सकती है। उसने लालच में आकर एमा को भी कुएं के किनारे भेज दिया। एमा ने अपनी कढ़ाई और सुई कुएं में फेंक दी और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। जब एमा ने अपनी आंखें खोली तो उसने भी खुद को उसी बाग में पाया जहां पहले एमिली आई थी। थोड़ा आगे चलकर उसने भी एक खरगोश को देखा। खरगोश ने एमा से मदद मांगी कि वो उसकी गाजर जमीन से निकाल दे। हरगिज नहीं, मैं एक बेवकूफ खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी। एमा उस खरगोश की मदद किए बगैर वहां से आगे चली गई। थोड़ा आगे उसकी नजर भी एक गुलाब पर पड़ी जो मुरझाने ही वाला था। गुलाब ने भी उसकी मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, तुम्हारे कांटे मेरे हाथ में चुभ भी सकते हैं। एमा गुलाब की मदद किए बगैर ही आगे चली गई। बिलाखिर वो भी मदर हॉली के घर के सामने पहुंची। मैंने सुना है आपको किसी काम वाली की तलाश है, मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मदर हॉली ने एमा को समझाया कि उसे घर में क्या करना होगा। याद रखना, तुम्हें हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। एमा ने उनकी सारी बातें मान ली। उसने पहले दिन बहुत अच्छा काम किया, परों से बिस्तर को भी सजा दिया। पर कुछ दिन गुजरने के बाद वो काम चोरी करने लगी और वो घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एमा मदर हॉली के बिस्तर को परों से सजाना भी भूल जाती थी। जब उन्होंने अपना बिस्तर देखा तो मदर हॉली को गुस्सा आ गया कि एमा उनसे वादा खिलाफी कर रही है। मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त है। एमा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी वो खूबसूरत कपड़े और जेवर मिल जाए। हाँ ये ठीक है, मुझे फौरन ही अपना इनाम लेके घर चले ही जाना चाहिए। मदर हॉली उसे भी सुनहरे दरवाजे के पास ले आई। जब एमा ने वो दरवाजा पार किया तो ऊपर से मिट्टी की बारिश होने लगी बजाय सोने के। ये क्या हो रहा है, ये क्या है? दरवाजे ने तुम पर सोना नहीं बरसाया क्योंकि तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया। अब तीन तक गिनो और अपने घर जाओ। एक, दो, तीन। उसके बाद उसने खुद को अपने घर के गार्डन में पाया।
उसे देखकर मुर्गा चीखने लगा। एमा वापस आ गई है और वो मिट्टी से सनी हुई है। उसकी माँ और उसकी बहन एमिली उसे देखकर बहुत हैरान रह गईं। एमा ने बताया कि उसे ये मिट्टी काम ना करने की वजह से मिली है और मदर हॉली ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। और उस दिन से एमा को ये बात पता चल गई कि मेहनत से काम करने की क्या कीमत होती है, और वो भी अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह अपने हाथ से कढ़ाई करने लगी। दोनों मिलकर कढ़ाई बनाकर बेचती थी और इसी तरह दोनों खुश रहने लगी।